वेलकम टू निशीज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दूध और तरबूज से बने शरबत की रेसिपी। ये पुरानी दिल्ली की बहुत ही मशहूर शरबत है और इसका नाम है मोहब्बते शरबत। और शरबते मोहब्बत बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मोहब्बते शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप तरबूज, जिन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर बीज निकाल लिया है मैंने। अगर एक आध बीज रह भी गया हो तो भी कोई हर्ज नहीं है, इनके बीज एडेबल हैं, यानी इन्हें हम खा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक ब्लेंडर जार और इसमें हम डाल देंगे अपने तरबूज को। साथ ही हम इसमें डालेंगे शक्कर। तरबूज वैसे ही काफ़ी मीठा होता है और इसमें हम रूह अफ़ज़ा भी डालेंगे, तो मैं यहाँ पे 1/3 कप शक्कर डाल रही हूँ। आप चाहे तो शक्कर की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। अब हम इसे बहुत अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे ब्लेंड कर लिया है मैंने, इसे हम साइड रख देंगे। दूसरी तरफ एक बड़े से बोल में डाल देंगे हम 1 लीटर के करीब दूध। यहाँ पे मैंने उबला हुआ दूध लिया है, जिसे कि मैंने रेफ्रिजरेटर में रख कर चिल्ड कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे तरबूज का जूस, जिसे कि हमने ग्राइंड करके रखा था, सारा ही हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर देंगे इन्हें हम। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप रूह अफ़ज़ा। आप चाहे तो रूह अफ़ज़ा की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मिक्स कर देंगे इन्हें हम बहुत अच्छी तरह। अब हम तरबूज के छोटे छोटे से क्यूब्स काट कर तैयार करेंगे इस तरह से। और इसमें जो बीज है इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट कर तैयार किए हैं और अब हम इसे अपने शरबत में डाल देंगे। मिक्स कर देंगे इन्हें हम बहुत अच्छी तरह। और अब हम इसमें डाल देंगे आइस क्यूब्स, मिक्स कर देंगे इन्हें हम। तो ये हमारा मोहब्बते शरबत बनकर तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही रिफ्रेशिंग शरबत है ये। और अब हम इसे गार्निश करेंगे छोटे छोटे कटे हुए तरबूज से। तो ये हमारा मोहब्बते शरबत बनकर तैयार है, आप भी इन्हें एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।